अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मलिया खान और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। जी तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं मेरे पीछे वो फैमिली मौजूद है जिनसे हमने वादा किया था कि हम उनको ईद से पहले एक रक्षा दिलाएंगे, जिनके जो आप जानते हैं कि जिनके बच्चे, जिनकी औलाद जो है वो सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती। एक बेटा और 3 बेटियाँ हैं इनकी। नाज़रीन, तो हमने वो आज हम इनका वो वादा पूरा करने के लिए आए हैं और इनको रक्षा दिला दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैं इनको चाबी पकड़ा रही हूँ, इनसे कुछ बात करूँगी, इनसे पूछूँगी, उसके बाद आपको तफ़सीलात बताऊँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ज़बरदस्त जी, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। नया पाकिस्तान वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ और जिन जिन लोगों ने मेरे साथ तआवुन किया वो सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, नेक तमन्नाओं का ख्वाहिश रखता हूँ। अच्छा, हम लोग बस ये चाहते हैं कि अब आप इसकी सही से हिफाजत करें और अब आप इससे अपने बच्चों को इंशाल्लाह आगे लाइक पढ़ाएँ और बड़ा करें, वैसा कुछ करें इंशाल्लाह, उम्मीद यही करते हैं। और नाज़रीन, इसके अलावा हम लोगों ने, जैसा कि आप जानते हैं कि इनके बच्चे जो हैं वो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, इसके अलावा हमारी डॉक्टर से बात हुई है, कायद आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल के डॉक्टर से हमारी बात हुई है, जैसे हमसे किसी ने रब्ता किया था और उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह ईद के बाद हम बच्चों को लेकर जाएंगे उधर और इनकी प्रॉपर टेस्ट होंगे और उसके बाद देखेंगे कि अगर इनका इलाज मुमकिन हुआ इंशाल्लाह तो यकीनन इनका इलाज भी होगा। फिलहाल नाज़रीन, इनको और नाज़रीन बता चलूँ कि इनको हमने ईदी के तौर पे 20,000 रुपया भी दिया है, जो छोटी सी ईदी है हमारी तरफ से। हम चाहते हैं कि ये उसकी ईद की कुछ थोड़ी बहुत ख़रीदारी करें, अपने बच्चों के लिए कुछ कपड़े शपड़े ले सकें और बस उम्मीद करती हूँ कि इनकी ईद अच्छी गुजरेगी इंशाल्लाह। फिलहाल मलिया खान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।